सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गोपाल और स्वागत है आप सभी का देवभूमि हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और अभी धीरे धीरे धूप भी आने लगी है और आज मौसम बहुत ही ख़राब है। हो सकता है कि शाम के समय बारिश, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं और सामने देखिए पेड़ों पर खूब सारे फूल लगे हुए हैं। और ये है दोस्तों हमारी भेड़ का एक छोटा सा बच्चा और इसे हमने बांध के रखा हुआ है ताकि ये इधर उधर भागे ना, इसको दिन में यहीं रखते हैं। अभी दोस्तों मेरी तैयारी हो रही है खेतों में जाने की और आज से हमने हल चलाने का काम भी शुरू कर दिया है। कुछ दिनों बाद इस पेड़ पर कोयल की आवाज़ सुनने को मिलेगी। दोस्तों मुझे जाना है सामने वाले खेतों में हल लगाने के लिए जहां मैं पिछली बार गोबर का कीड़ा ले गया था और उस टाइम हम खेतों में गोबर के कीड़े डाल रहे थे और अब हल चलाने का काम शुरू हो चुका है। तो अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं क्योंकि धूप भी आने वाली है, फिर दिन में धूप बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से फिर काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खेतों में और थोड़ी देर में हल जोतने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और तब तक पशु थोड़ा चर रहे हैं। खेतों में जो गोबर का ढेर रखा हुआ था उसको अब खेतों में इस तरह से उड़ेला जा रहा है पूरे खेतों में और इसके बाद यहाँ पे हल चलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों हम छुच्छल गांव के काफ़ी नज़दीक है और सामने है छुच्छल गांव और सामने नरीपुर जोत और माजनी जोत और ये ऊपरली सिग्नल है और इस तरफ है निचली सिग्नल। सामने है मिडिल स्कूल छुच्छल और ये है प्राइमरी स्कूल छुच्छल जो कि गांव के काफ़ी नज़दीक है। अभी मैं ऊपर वाले खेतों से हल आया हूँ और थोड़ी देर में यहाँ पर हल जोतने का काम शुरू कर दिया जाएगा और खेत में भी लगभग गोबर पूरे खेत में उड़ेल दिया है, थोड़ा सा ही बचा है। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ही हल लगाया था और इतने में यहाँ इस जुड़े का जो जोतर है ये ही टूट गया, अब इसको बनाया जा रहा है। छोटा था नहीं होना ऐसा। बस अभी एक खेत खत्म हो चुका है और अब हम आए हैं दूसरे खेत में। अब यहाँ पे पहले थोड़ी सी खुदाई कर लेते हैं उसके बाद करते हैं हल जोतने का। अभी दोस्तों इस खेत में भी हल और मैया लगा लिया है, अब हम चलेंगे घर की ओर। मोई को हमने यहाँ पे रखा है, हल ऊपर वाले खेत में है
और सामने बैलों को भी छोड़ दिया है, और अभी धूप लगी है तो अभी चल पड़ते हैं घर की ओर। और पापा जी भी चले गए हैं स्कूल में, और सामने है स्कूल। ऐसे धूप में हो चुकी है हालत ख़राब, एक तो मैं काला हूँ और ऐसी धूप में और भी काला दिखाई दे रहा हूँ। पसीना भी बहुत आ रखा है। मिस्टी छुट्टी था। अभी मेरी चप्पल भी टूट गई है, यहाँ देखिए। अब मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा घर तक, क्या कर सकते हैं। ये है अपना गांव, और अभी गांव में काफ़ी सारी शांति छाई हुई है क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में गए हुए हैं। इस समय घर पे कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल हल जोतने का काम शुरू हो चुका है, और अभी गर्मी के मौसम में ऐसे ही होगा। लोग सुबह सुबह घर से काम करने के लिए निकलते हैं और दिन में वापस आते हैं और फिर आराम करते हैं, फिर शाम के टाइम दोबारा से काम करने के लिए चले जाते हैं। नंगे पांव ही चलना पड़ेगा अब। चप्पल तो टूट गई, अब इसको सील भी नहीं सकते, पूरी तरह से टूट गई है। अभी दोस्तों मैं नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ रोपा। तो आज की इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं गोपाल आप सभी से मिलता हूँ इसी तरह के नए से खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल।